सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रात हुई और बाहर निकला हुआ था और जॉम्बी ने मार दिया, तो अभी मैं वापस से रिस्पॉन हुआ हूं ठीक है अंदर अनजानी लोकेशन पे। और यहाँ पे मेरे को एक विलेज मिल जाए तो मैं आज रात नहीं पे जाऊंगा और अपना घर यहीं बनाऊंगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं फटाफट से जाकर किसी भी विलेजर के घर में जाकर घुस जाऊंगा और उनका ही बेड ले लूँगा। यहाँ पे एक बेड खाली है तो मैं यही ले रहा हूँ। तो अभी रात हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी भी घूम रहे हैं, तो अब हम उस नेदर पोर्टल वाले फ्रेम की तरफ जाएंगे जहाँ से मैं आया था, क्योंकि वहाँ पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी जो चेस्ट मैंने लूटी नहीं थी। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी गेम प्ले बढ़िया लगे हो तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दिया, क्योंकि क्या है लाइक से बहुत अच्छा लगता है कि आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दिया। तो हम इस चैप्ट को खोलते हैं, देखते हैं इसको मिल जाए। ये खाली चैप्ट है दोस्तों, ये वाली चैप्ट हम लोग पहले और इसलिए भी ऐसा सकता है क्योंकि अभी मेरा माइनक्राफ्ट यहाँ पर अपडेट हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पर दूसरी लोकेशन आ गई है। तो चलो हम चलते हैं उस विलेज के अंदर दोस्तों। अगर आपको वॉइस तेज लग रही हो तो अगली बार वीडियो में कमेंट करके बता देना। पहले हम इस विलेज को लूटेंगे, अब देखते हैं इस विलेज के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मेरे को बहुत सारे पटेटो मिल गए हैं, तो मैं ये सारे पटेटो और ये एप्पल ले लेता हूँ, और एक इसमें बुक भी है, तो बुक का कोई काम नहीं है तो बुक नहीं लूँगा। अब हम दूसरे घर में जाते हैं, इस वाले घर के अंदर देखते हैं क्या है। इस घर के अंदर भी पटेटो हैं और बहुत सारी ब्रेड भी है, तो हम ब्रेड भी ले लेंगे जैसे ही हम सारी ब्रेड कलेक्ट करके चलते हैं। और हम दूसरा विलेज दूसरा घर लूटेंगे, अब ये सारी एप्पल भी ले लेते हैं। तो चलो चलते हैं, ये थोड़ा पहाड़ के ऊपर है दूसरे घर, तो हम उधर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पानी है और ये भी है यहाँ पे बीच पर, इसे हम बीच से ब्रेड नहीं पाएंगे। इस वाले घर के अंदर कुछ नहीं है और यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पे थोड़ी जमीन नीचे की तरफ है। अब हम इस वाले घर के अंदर चलेंगे, देखते हैं इस वाले घर के अंदर क्या है। वो इस वाले घर के अंदर तो हमको एमरल्ड मिल गए हैं, लेकिन एमरल्ड अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि एमरल्ड का कोई काम होता है नहीं, सिर्फ वो ट्रेडिंग के समय ही काम आते हैं। अब इधर से एक बेड भी लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बेड नहीं है। अब हम बाकी के घरों में भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। इस घर के अंदर देखते हैं क्या है। वाह, ये घर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर बालकनी भी बना रखी है इन लोगों ने और यहाँ पे गैप भी दे रखा है, किसी को कूदना हो तो कूद जाए। और ये बेड मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हम ये लास्ट वाला घर देख लेते हैं, इस घर के अंदर क्या है। ये तो बहुत और थोड़ी यहाँ पे फसल भी लग रही है, तो ये भी तोड़ लेता हूँ और फिर वापस भी उगा दूंगा। अब हम थोड़ी ब्रेड खा लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वेजिटेरियन हैं, इसलिए हमको ब्रेड ही खानी पड़ेगी। अभी हम इस गेम में नॉन वेज नहीं बनना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जरूर कर देना, और मेरे को कमेंट करके भी बताना कि मेरे को आगे इस गेम प्ले और वीडियो के अंदर क्या क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चेस्ट लेकर आता हूँ। दोस्तों हमने पहले करके दो टूल बना लिए हैं, तो अब हम और एक काफी टेबल भी बना लिया जो मैंने अपने घर में रखवा दिया है। अब हम और वुड कलेक्ट करने चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर रात में हो गई है, जैसे ही रात होगी मैं वैसे ही मैं अपना वीडियो एंड कर दूंगा। अब हम थोड़ी यहाँ पर प्लान बना लेते हैं। दोस्तों और यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि रात को इधर इधर उनके अंदर जाने आ जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आपसे यहीं पर अलविदा लेता हूँ और अगली वीडियो में जरूर देखना। थैंक यू फॉर सीइंग दिस।